जब आप ये बात कर रहे थे जज साहब के जो रिमार्क्स थे सोशल मीडिया के बारे में और मीडिया के बारे में, और उसकी आपने वजाहत भी की जिसमें उनको शिकवा है कि जी जजेस को स्कैंडलाइज किया जाता है, तो आपने ये देखा होगा कि कुछ जजेस हैं उनको बदतरीन बदतरीन तरीके से स्कैंडलाइज किया गया। न सिर्फ स्कैंडलाइज किया गया बल्कि उनको पीछे एक तरह से हाउंड किया गया, जैसे काजी फैजी साहब, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, जो हुकूमती पार्टी और उनके जो वजीर बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे उनके खिलाफ की, जो वकार सेठ मरूम थे उनके खिलाफ की गई, जो परवेज मुशरफ के खिलाफ जो जो बना था ट्रायल कोर्ट उसके खिलाफ की गई, और उसमें हुकूमती पार्टी और उनके जो ट्रोल्स हैं वो उसमें मुलविस रहे और आज तक हैं। अभी चंद दिन पहले तक भी ये था, जस्टिस अतर मिनल्ला के खिलाफ इस तरह के भोंडे इल्जाम लगाए गए कि जी वो उनके कोई बर्तानिया में फ्लैट है तो फला है ढिमका है। तो सवाल ये है कि उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोलता, ये सिर्फ उन जजेस के खिलाफ बोला जाता है जो कि कानून और इंसाफ की बात करते हैं और जो अवाम की बात करते हैं, तो इसके बारे में। और दूसरा ये कि जजेस ने तो आइन का हलफ लिया हुआ है, आइन का आर्टिकल 19 और 19A, वो अवाम के इजहार राय की आजादी, तनकीद का हक, प्रेस की आजादी, तो इन्होंने हल्फ जो है वो उसका लिया हुआ है। वो हुकूमत बीच में कहां से आ गई कि आके जो है वो लोगों की जबान बंदी करें। आपने कुछ एग्जांपल्स दिए, 100 और एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। सोशल मीडिया में मीडिया नहीं है इतना जितना जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया है। ये जो ट्रोलिंग होती है उसका मीडिया के साथ तल्लक नहीं है, मगर जो ट्रोल्स जो कि एस्टेब्लिशमेंट को की तनकीद करते हैं या हुकूमत की करते हैं, जो वो एक तरफ है और दूसरी तरफ वो हैं हुकूमत के और पीटीआई के ट्रोल्स और एस्टेब्लिशमेंट के ट्रोल्स, तो जज साहब उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सारे सवाल खड़े होंगे। तो मेरा ख्याल है इधर जाना ही नहीं चाहिए, हम अपना अदालतें अपना काम करें, जो इंसाफ है इंसाफ दें और इन चीजों को छोड़ दें, इंसाफ मिलेगा तो ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। अच्छा, आपने कुछ नई मिसालें भी देखी होंगी, रजा आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल, मैं इन्होंने बिल्कुल जो बात आप कह रहे थे मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं फाइनल एक पॉइंट करना चाहता हूँ, और जाहिर बात है ये जो सैटी साहब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कुछ प्रिडिक्ट करें, लेकिन कम से कम आप इस बात से तो अग्री करेंगे कि ये जो साल है और जो अगला साल, ये जो अगला डेढ़ साल है, ये बड़ा क्रिटिकल है मुल्क के सियासी और अदालती मामलात जुड़े हुए आपस में, चाहे ये जस्टिस काजी फैज ईसा के का जो दोबारा से क्यूरेटिव रिव्यू या रेफरेंस जो है वो दायर किया गया कोई इंडिया की मिसाल ढूंढ कर, नवाज शरीफ की ता हयात ना अहली के खिलाफ एक पिटिशन दायर कर दी गई है, अगर जो उस पर इतराजात लगा के वापस भेजा गया लेकिन कभी ना कभी वो भी आ जाएगी, फॉरेन फंडिंग के केस का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है, इलेक्शन होने आखिर अगले, अभी ना भी हो तो अगले साल तो होने हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये इसके ऊपर क्या कहेंगे कि इस पूरी जिसे माइन फील्ड, सियासी माइन फील्ड के अंदर ये बहुत सारे केसेस जो होते हैं ये पॉलिटिकल नेचर के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, एक ये भी हमारी हिस्ट्री का ट्रेंड रहा है। ये ऐसी चीजें जो पार्लियामेंट को, सियासतदानों को या एस्टेब्लिशमेंट या सियासतदानों को तय कर देनी चाहिए, वो पहुंचते कोर्ट्स में, फिर कोर्ट्स एक एडिशनल प्लेयर बन जाती हैं इसमें। तो इसमें किस हद तक फॉल्ट है कोर्ट्स का और किस हद तक फॉल्ट है हमारी पोलिटिकल कल्चर का? देखिये रजा, पोलिटिकल कल्चर का तो फॉल्ट है ना, अगर आपस में इत्तेफाक नहीं है और सारा वक्त आइन तोड़ते रहते हैं एक दूसरे के, कभी ये तोड़ते हैं कभी वो तोड़ते हैं, तो लड़ाई झगड़े तो होंगे, तो अदालतों में तो पहुंचेगा। ये एक नई जमहूरियत, इमेच्योर जमहूरियत, जिसको अभी मौका नहीं मिला कि ये आइन के मुताबिक चले, क्योंकि हर 3 साल के बाद छुट्टी हो जाती है और उसके बाद फिर 10-10 साल के लिए मार्शल लॉ आ जाता है, जबकि
कोई कानून नहीं होता, कोई आईन नहीं होती, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सियासतदानों के एक हद तक की आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब दुनिया के अंदर जब तक सियासतदानों को सियासत से हटके पब्लिक सर्विस ना करनी आए तो वो मस्ते ही रहते हैं, मगर वक्त लगता है। जमहूरियत रातों रात नहीं, ये इसके बीज आप अगर बोए तो रातों रात ही फल बन जाती है, वक्त लगता है, इसके काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अदालतों में तो जाएंगी, इसीलिए ये कहा जाता है कि मीडिया और अदालतें जो है बहुत बड़ी अकाउंटेबिलिटी और इंसाफ के दायरे हैं। इसीलिए आज जब बंदयाल साहब आए हैं तो इनके सामने आपने बता दिया कि किस किस्म के केसेस अब इनके सामने आएंगे, और बहुत अहम अहम केसेस हैं ये, जिसका ताल्लुक आपके फ्यूचर के साथ है, आपके सिस्टम के साथ है, जमहूरियत के साथ है, सब चीज़ों के साथ है। और ज्यादातर अब जो केसेस आएंगे वो आएंगे हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि आपने देखा जब हवा बदलती है तो फिर बहुत सी चीजें जो चार साल में नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, अब शुरू हो जाएंगे। अब नैब के चेयरमैन को भी कंटेम्प्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट बुला रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नैब चेयरमैन को बुला रही है चार साल के बाद, आइए तो सही तरह सलाम दुआ लें। पेशावर हाई कोर्ट जो है वो नैब को कह रहा है कि आपने मालम जब्बा और बाकी केसेस जो है बीआरटी का और बिलियन ट्री का, ये सारे करप्शन हुई हुई वहाँ, डेढ़ साल से आप चुप करके बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं हम नहीं सुनना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सुनना चाहते हैं, आप क्यों नहीं आ रहे लेके, आपने क्यों ब्लॉक किया हुआ है, ये बातें आनी शुरू हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन फाइनली 7 साल के बाद जाग उठी है और अब वो करने जा रही है इमरान खान का फॉरन फंडिंग केस, जिसमें अब आप देखिएगा अगले हफ्ते में और 10 दिन के अंदर क्या क्या होने जा रहा है इस मुल्क में। फाइनली उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हम डिस्कस भी कर सकते हैं, फॉरेन फंडिंग वाले जो हैं जिसके अंदर सारी चीजें आ गई हैं, जो छुपा के बैठे हुए थे, दिखाना नहीं चाहते थे, अब कुछ इंसाफ आया है, हवा बदल रही है, तो इसलिए सतून सामने नहीं है, तो इसलिए अब खड़े होने शुरू हो गए हैं। और आप देखिएगा पीटीआई के ऊपर जो प्रेशर आएगा, अवाम की तरफ से तो प्रेशर आ रहा है, अब आएगा वो चीजों की तरफ से जहां इन्होंने आईन के साथ ज्यादतियां की हैं और इन्होंने गड़बड़ की है। अब पीटीआई की करप्शन के केसेस आएंगे, पीटीआई की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस आएंगे, ये भी सारा कुछ आएगा और भी बहुत कुछ आएगा। तो इसलिए अदालतों के ऊपर बहुत प्रेशर है और अताब बंदयाल साहब की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी। पिछले चीफ जस्टिस साहब के जमाने में तो ऐसी इतनी बड़ी चीज कोई नहीं आई थी, एक आध चीज आई थी, मगर अब बहुत सबसे क्रिटिकल इश्यूज जो है वो अब आने लगे। उससे पहले साकिब निसार और खोसा साहब के जमाने में आए एक दो केसेस आए थे ऑपोजिशन के खिलाफ, उन्होंने धजियां उड़ा दी ऑपोजिशन, और आज जाके सबको पता चल रहा है कि कितनी ज्यादती की और किस तरीके के साथ आईन को तोड़ा उन्होंने। मगर अब क्या कर सकते हैं, हम यही कह सकते हैं ना, उस वक्त बात करते तो हमें अंदर कर देते हो, बिकॉज इस किस्म की वो उनकी उनका रवैया था। अब हम बात कर सकते हैं तो बंदयाल साहब भी 2 साल के साथ के लिए हैं, उम्मीद हम रखते हैं कि वो इंसाफ देंगे, एज अ स्ट्रेट एंड नैरो खड़े होंगे और किसी प्रेशर में नहीं आएंगे। क्योंकि देखिए अभी ये काजी फायज ईसा के केस के अंदर बड़ी वाजे था कि बाहर एक तरफ है और बेंच में डिवीजन है, और बाहर एक तरफ है, बेंच में डिवीजन है, अवाम सारी की सारी और इंडिपेंडेंट मीडिया सारा काजी फायज ईसा के साथ और सारी इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी। तो इस्टेब्लिशमेंट और कुछ जज हजरात एक तरफ थे और हुकूमत नेचुरली और अपोजिशन अवाम और मीडिया ये दूसरी तरफ था और कुछ जजेस। तो इवेंचुअली जो जो फतेह हुई वो अवाम की फतेह हुई ना, कि जब कुछ जजेस ने एहसास किया कि हमें खड़ा होना चाहिए और फिर जाके वो खड़े हुए, और बंदयाल साहब उसमें दोनों तरफ उस साइड पे थे जो कि एस्टेब्लिशमेंट की साइड थी। तो अब बात यह है कि बहुत हो गया अब ये एस्टेब्लिशमेंट की साइड लेना, बहुत हो गया हर बात में एस्टेब्लिशमेंट की साइड लेना, जबकि आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट की साइड जो है वो इंसाफ वाला रास्ता नहीं है। तो अब हम देखेंगे, चीफ जस्टिस साहब जो है मैं समझता हूँ एक नया एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बहुत हो गया और मुझे पूरी तवक्को है और उम्मीद है, बिकॉज बंदयाल साहब कम्स फ्रॉम अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली, इज वेरी वेल एजुकेटेड, कैम्ब्रिज के पढ़े हुए हैं, मैं उनकी एज अ पर्सनल लेवल बड़ी इज्जत करता हूँ, और कॉन्डक्ट उनका एज अ कैज दे से दैट ऑफ अ स्कॉलर एंड अ जेंटलमैन एंड अ रियल जज। अब हमें जजमेंट्स भी ऐसी चाहिए।